वेलकम बैक टू चैनल वन। आई होप लाइक एब्सोल्युटली वेल। दिस इज मिनहाज बैक विद अनदर व्लॉग। और हाँ यार, आज बहुत दिनों के बाद सोचा कि एक व्लॉग बना लिया जाए। आज प्लान था मोटो व्लॉग बनाने का, लेकिन यार कुछ वजह से उस प्लान को कैंसिल करना पड़ा मेरे को। मोटो व्लॉग्स बहुत दिन हो गए मोटो व्लॉग किए, लेकिन मोटो व्लॉग आएंगे कल से। रेगुलर मोटो व्लॉग्स आएंगे, आई प्रॉमिस दैट। आई होप कि कल से रेगुलर मोटो व्लॉग आ जाएँ। अगर कल नहीं आया तो ट्यूसडे से तो 100% गारंटीड व्लॉग्स आएंगे ही आएंगे। सो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मैं इतने दिन इनएक्टिव क्यों था इस चैनल पर। फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था मेरे प्राइमरी चैनल पर, दैट्स टेक्नोलॉजी चैनल, ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी 24/7। वहाँ पर मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता था, क्योंकि मैंने एक नया फ़ोन लिया था, रेडमी नोट 5 प्रो। इसलिए जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग सम वीडियोज़ ऑन दैट टू। इसलिए वहाँ पर बहुत ही बिजी हो गया और इस चैनल पर वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला मेरे को। सेकेंडली कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अभी एक वन वीक से मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली नहीं गया, एक दो दिन। कल नहीं जा पाया और फिर फ्राइडे को भी नहीं गया मैं। मंडे को जाना पड़ेगा, दैट्स टुमारो। और इसका एक और रीज़न है गाइस, मैं इनएक्टिव क्यों था। एक्चुअली मेरा जो राइट का शोल्डर है, ये शोल्डर, ये वाला, ये इंजर्ड हो चुका था जिम में। हाँ, जिम में वर्कआउट करते समय इंजर्ड हो चुका था और आई एंडेड अप नॉट गोइंग टू जिम फॉर लाइक 4 to 5 days। और मुझे बहुत पेन हो रहा था यार, कैमरा ऐसे पकड़ नहीं सकता था मैं इस हाथ से। अभी भी राइट हैंड से ही पकड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी पेन तो कम हो चुका है। रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज किए मैंने बहुत सारे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको भी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस देखने हैं, मैंने जो फॉलो किया मैं आपको डाल दूंगा लिंक। तो चलिए मैं अभी आपको अपनी बाइक की कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन या सिचुएशन जो भी आप बोलोगे। मैं बाइक तो रोज़ नहीं चला रहा हूँ, रोज़ तो नहीं, एटलीस्ट लाइक 3 दिन में एक बार निकाल रहा हूँ बाहर। और यार वो क्लच इशू अभी भी है बाइक में, मुझे पता नहीं। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मिस्टेक बाइंग ntorq, आई एम नॉट श्योर, बट बिकॉज ऑफ दैट क्लच इशू मैं बहुत ही अनॉय हो चुका हूँ यहाँ पर। इसलिए देखना पड़ेगा वो क्लच इशू भी सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। TVS वालों ने तो बहुत ही सपोर्ट करने के लिए मुझे बोला है कि सपोर्ट करेंगे TVS शोरूम, पर क्या कर सकते हैं यार, अभी तो देखना पड़ेगा। अभी न्यू बाइक है और ऑलमोस्ट मैंने अभी उसे 1500 किलोमीटर्स ही चलाया है, उससे ज़्यादा नहीं चलाया है यहाँ पर। इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करना है। आई नॉट सेल दैट वन, क्योंकि मैंने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन जो मैंने सॉल्यूशन डाल के देखे, सभी ने वैसे ही बोला कि हम लोगों ने TVS सर्विस सेंटर को विज़िट किया और उन्होंने कुछ क्लीन किया क्लच में और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जब भी मैं साला कॉल करता हूँ उनको, वो लोग सपोर्ट करने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ही पता नहीं होता है कि इश्यू आखिर क्या है बाइक में। अगर मैं लेके गया वहाँ पर और उनको सर्विस पे दी बाइक, तो वो बोलते हैं कि ये कुछ इशू नहीं है सर, ये तो कुछ इशू नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट साउंड है। एक ने तो बोला डिफ़ॉल्ट साउंड है, फिर दूसरा बोलता है कि साउंड चला जाएगा, आप थोड़ा सा और किलोमीटर्स चलाओ इसको, 2000 किलोमीटर चलाओ, 3000 किलोमीटर चलाओ, वगैरह वगैरह बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, पता नहीं मेरे को। चलिए मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ अभी कि वो क्या हो रखी है वहाँ पर। तो ये रही मेरी ntorq, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अरे यार मैं की भूल गया ऊपर, की की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशन दिखा देता हूँ इसकी। मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए। और जो वो साउंड आता है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है वो। मुझे लगता है कि साउंड इसके अंदर से आ रहा है, मुझे पता नहीं, मैं कोई मैकेनिक या इसका ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन साउंड जो होता है इसके अंदर से आता है गाइस। और वो साउंड कब आता है आपको पता है, जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ लाइक फ्रॉम 0 to 60, इसके बीच में बहुत ख़तरनाक आती है आवाज़। अगर से मैं धीरे से एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो नहीं आती है, आई मीन टू से लाइक 0 to 30 जाना है मेरे को और मैं स्लो एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो उतना साउंड नहीं आता है, थोड़ा सा आता है बस। उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है वो। लेकिन अगर आप 30 से 60 जाना चाहते हैं या 32 उसकी टॉप स्पीड को टच करना चाहते हैं, तो बड़ा ही ख़राब आवाज़ आता है। मुझे पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि चेन जो है, चेन या जो बेल्ट होती है इसमें, वो स्लिप हो रही है, स्लिप होकर ऐसा बैठ रही है क्लच पर, वैसा दिखता है, लेकिन पता नहीं क्या है वो। पिकअप में थोड़ा सा इशू था, लेकिन आई थिंक इट्स फिक्स्ड, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे फ़र्क उतना दिख नहीं रहा है। लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद का जो पिकअप था, अभी वो पिकअप नहीं है, अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। मुझे पता नहीं क्यों, फिल्टर जा चुका है या पता नहीं, देखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक और सबसे ख़राब चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर गाइस, इसका ब्रेक। यार अभी मैं दो बार गिरते गिरते बचा, क्योंकि यार इट्स ऑब्वियस बिकॉज व्हील बेस छोटा ही है
और मैं दूसरी बात बोलता हूँ आपको, अगर आप हार्ट ब्रेकिंग कर रहे हो तो स्लिप ज़रूर होंगे। एक्चुअली मैं रिसेंटली एक 60 पर जा रहा था, 55 टू 60 की स्पीड में जा रहा था, कांस्टेंट मेंटेन कर रहा था, और फिर सडनली एक जो साइकिल वाला था, शायद वो साइकिल वाला जो था आगे मेरे, उसने सडन ब्रेक मार दिया। अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो मैं उसको जाके ठोक देता वहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा सा बाइक टर्न करके सडन ब्रेक मार दिया। आई मीन टू से लाइक मैंने दोनों ब्रेक्स यूज़ किए, तो बाइक इतना ख़राब स्किड हुई गाइस कि मैं आपको क्या बोलूँ। वैसा एक्टिवा में नहीं होता था मेरे साथ, लेकिन इस बाइक में मैं गिरने वाला था। दो बार ऐसा हुआ था, एक बार तो साइकिल वाला आ गया और दूसरी बार शायद एक ऑटो वाले ने सडन ब्रेक मार दिया या राइट या लेफ्ट लिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन स्किड ज़रूर हुआ था। इसलिए गाइस आई रिकमेंड यू गाइस इस ब्रेक को थोड़ा सा लूज़ कर दो। मैंने करवाया था टीवीएस में, आई मीन टू से लाइक कि लूज़ मतलब एकदम लूज़ नहीं, इतना शार्प नहीं होना चाहिए इसे, थोड़ा सा लूज़ कर दो कि ताकि आप ब्रेक अगर सडन मारोगे तो ये एकदम से नहीं पकड़ लेगा डिस्क को, वैसा करवा दो इसको। मैंने करवा दिया इसको। और हाँ, हार्ड ब्रेकिंग मत करो इसमें, एकदम हार्ड ब्रेकिंग तो बिल्कुल मत करना, वो तो सभी बाइक्स में है ही यार, हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो गिरोगे ही, लेकिन ABS की बाइक्स में वैसा नहीं है। तो वो था सेकेंड इशू जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो ये मेरी ntorq। तो मैं अभी फिर से जा रहा हूँ लोकेशन चेंज करने के लिए। व्लॉगिंग इज़ लाइक यार, हर वक्त कुछ नई कलाकारी करनी ही पड़ती है अगर आप लोगों को एंगेज रखना हो, दैट्स यू व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने इश्यूज़ बोले अभी ntorq से, क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे को। पता नहीं मैं वो क्लच का इशू कैसे फ़िक्स कर सकता हूँ यार, अगर कोई देख रहा है, किसी ने फ़िक्स किया है, किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट करो या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन यार बोल दो मेरे को कि मैं कैसे वो फ़िक्स कर सकता हूँ। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, आई विल बी रेगुलर फ्रॉम ट्यूसडे और वेंसडे रेगुलर मोटोलॉग्स डालूंगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर ntorq के बारे में किसी को पता है कि वो कैसे फ़िक्स कर सकते हैं वो इशू, तो प्लीज़ मुझे बोलना। क्या गिरा यार अभी यहाँ से, कुछ गिरा। What the? क्या था यार, कुछ गिरा यहाँ पर। ओके, छोड़ दो उसको। सो मैं ntorq के बारे में बात कर रहा था, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल देना मेरे को, या Instagram इज़ ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज एक्टिव ओवर देयर। सो गाइस, दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, अ शॉर्ट व्लॉग बेसिकली। सो आज का लाइक टारगेट है अगेन 10 likes। यार 10 likes तो मार दो, 10 likes तो बनते हैं इस वीडियो पर। So this is Minhaj signing off for today. I hope to see you in my next vlog. Goodbye.